बड़ी और अहम खबर, रेवाड़ी से कोरोना का नया केस सामने आया है। दिल्ली फायर ब्रिगेड में शख्स कार्यरत है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिले का छठा कंटेनमेंट जोन बना है उत्तम नगर। 4 दिन पहले अपनी रिश्तेदारी में ये शख्स गया था रेवाड़ी में। पहले केसेस नहीं थे लेकिन एक के बाद एक केसेस अब बढ़ रहे हैं। अब छठा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उत्तम नगर को। 4 दिन पहले ये शख्स अपने रिश्तेदारों के घर गया था। कोरोना का नया केस रेवाड़ी में सामने आया है। दिल्ली फायर ब्रिगेड में ये शख्स कार्यरत है। जिले का छठा कंटेनमेंट जोन उत्तम नगर बना है। तो एक के बाद एक शहरों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की खबर सामने आ रही है और लॉकडाउन 4 भी घोषित कर दिया गया है जिसमें काफी ज्यादा छूट है और इस छूट के बीच केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रेम भारद्वाज रेवाड़ी से ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, नया मामला सामने आया है कोरोना का रेवाड़ी से। जी बिल्कुल, देखिए ये जो नया मामला है ये उत्तम नगर का मामला है ये वाला, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी था, दमकल विभाग में दिल्ली में काम करता था और लगातार ये अप डाउन कर रहा था रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी में जब इसे रोका गया, पूछताछ की गई इससे, तो इसने बताया कि ये दमकल विभाग में काम करता है और शक के आधार पर इसका टेस्ट कराया गया तो ये पॉजिटिव निकला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जितने भी पॉजिटिव यहाँ पर केस मिले हैं उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो लगभग दिल्ली के केसों से ही जुड़ी हुई थी, और बॉर्डर से जिले की सीमा में रोज आना अप डाउन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इतनी ढील दी जाती है बॉर्डर्स के ऊपर, क्यों नहीं उन्हें वहां रोक लिया जाता ताकि ये दूसरी जगह जाकर संक्रमित ना करे, लोगों को संक्रमण ना फैलाए। लेकिन ये कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं रुक पा रही है और शायद प्रशासन भी इसके ऊपर विवश नजर आ रहा है। दूसरे राज्यों से अपनी सीमा में जो लोग एंट्री कर रहे हैं उन पर काबू नहीं पाया जा रहा। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि जितने भी केसेस हैं उनका रिश्ता सीदा दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब रियायत दे दी गई है बॉर्डर्स पर और ई पास के जरिए आवाजाही शुरू हो गई है। शायद इसका खामियाजा भी हरियाणा भुगत रहा है। निश्चित रूप से देखिए, जो ये अब ये छूट दी गई है तो लोग कहीं ना कहीं इस छूट का पहले भी फायदा उठाते रहे और अब और ज्यादा फायदा उठाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इसके जो दुष्परिणाम सामने आएंगे वो इसी छूट का ही नतीजा होगा। और ऐसे में लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम भी यही लोगों से कहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आप को जब महफूज रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नहीं लगता कि जिस प्रकार की छूट दी जा रही है ऐसे में लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ऐसे में आने वाला समय शायद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है लोगों के लिए, प्रशासन के लिए और सरकारों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।